करना पड़ेगा। सो मायरा 12 को चली गई थी और 13 को नेहा दीदी चली गई थी। मैंने इसमें अलग से कोई वीडियो नहीं डाला है थोड़े से पार्ट के लिए, और शादी का मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने के चक्कर में बहुत सारे वीडियो के क्लिप मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं दिखाए हैं, तो मैं उसके लिए अलग फ़ोटो और वीडियो डालने वाली हूँ। और आज था क्रिसमस का दिन और आज इतना ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं, इतना फॉग था कि कुछ भी सामने का दिख नहीं रहा था। सामने जो ट्रेन जा रहा था वो भी नहीं दिख रहा था। जैसा कि मैंने इस रूम में होकर कहा था कि छत से आवाज़ आती है, दैट्स नॉट क्लियर। तो मिठू दीदी और मेरी दीदी सोई थी इसके नीचे वाले रूम में, देन दे सॉ लाइक कोई ठक ठक कर रहा है। और मैंने भी सुना है, मैंने नेहा दीदी मेरी बहन ने भी, कि यहाँ से ही डायरेक्टली आवाज़ आता है। और जब आवाज़ आता है ना तो हर जगह का रूम तो सब में लाइट नहीं जल रहा था, वो एकदम डर गए और भाग के नीचे आ गए रात के 2 बजे। और ये हम लोग के घर में शुरुआत से ही आवाज़ आती है छत से, बट छत पे कोई होता नहीं है ना, यहाँ पे क्लू रहता है कि कोई आया था या फिर कुछ, तो एग्जैक्टली ये फाइनल हो जाता है कि ये भूत करता है। फिर वो ज़रा मैं स्कूटी घुसा रही थी और मैंने पंप तोड़ दिया। फिर मैं आई थी जन्नत से बात करने, मैं क्या करूँ, मैं जब इसको पोक करती हूँ ये नहीं आते और जब वो मुझको पोक करते तो मैं नहीं आती। फिर हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं ना अभी ये सब वीडियो बहुत जल्दी जल्दी डाल रही हूँ, नाइस पार्क का भी है। और फिर मैं देख रही थी उड़ी जा बोर्ड और मैं ये सब जल्दी जल्दी डाल रही हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। मैं कितनी अच्छी कैट लग रही हूँ। आए थे हम लोग चर्च और मैंने जैकेट पहना था, बट बहुत ठंडा लग रहा था। तो मिठू दीदी ने कहा था कि वो इधर ही रहेगी, इसीलिए वो लोग इसको छोड़ के चले गए। और वाईफाई में इसी की वजह से रिचार्ज हुआ है क्योंकि मिठू दीदी ऊपर रहेगी।